नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, जैसे कि 17 मई को इनका Q4 का रिजल्ट आने वाला है। Q4 के रिजल्ट में जो है ना फाइनेंशियल रिजल्ट तो रहेगा ही, साथ साथ में ना बोनस को लेकर भी अपडेट आने वाला है, बोनस और साथ साथ में डिविडेंड का। तो अपने ना रडार पे रखिएगा 17 मई का डेट, और अगर भूल जाते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको तुरंत टाइम पे अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल तो अभी आते हैं टेक्निकल को समझते हैं। तो टेक्निकल्स में अगर नीचे से बताऊं तो यहाँ पर देखिए कि हायर हाई पैटर्न देखने को मिल रहा है, मगर ये हायर हाई पैटर्न का कब तक देखने को मिल सकती है, जहाँ से पुल बैक मारा है, मतलब ये लेवल अगर टूट जाता है ना तो ये हायर पैटर्न खत्म हो जाएगा, फिर हमको ना एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखिए एक सपोर्ट लेवल है 200 रुपये का, और मार्केट ने भी क्लोजिंग किया है 204 रुपये पे, 3.7% का अपसाइड है। और यहाँ पे अगर ये मंडे दिन निफ्टी, जैसे निफ्टी 5 दिन से गिरावट रहा था, यहाँ पे भी वही सेम रिजेक्शन देखने को मिला। अगर निफ्टी मंडे दिन थोड़ा अपसाइड चला जाता है तो एक हमको ना एक अच्छा सा हायर हाई पैटर्न देखते हुए पहला टारगेट ना 240 रुपये तक का देखने को मिल सकती है। अगर मंडे दिन निफ्टी में प्रेशर आ जाता है तो इसमें ना ये ब्रेक डाउन हो सकता है, और उसके बाद में हमारा जो लेके दूसरा लेवल रहेगा वो है 190 रुपये तक का डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बात किया जाए तो काफी अच्छा इसने रिटर्न दिया, जैसे यहाँ पे कुछ टाइम तक ना यहाँ पे सर्किट लगाया है। सर्किट क्यों लगाया, क्योंकि इसमें ना वॉल्यूम ही कम है, 5% का एक तरह से एक प्राइस बैंड है, और 5% में ना वॉल्यूम कम रहता है, इस वजह से जब एक साथ ना बायर सेलर आते हैं तो मार्केट सीधा अपसाइड चला जाता है। तो और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सर्किट मारा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर एक साथ है, इस वजह से दबाव देखने को मिला। तो यहाँ पे काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है, और मार्केट में 17 तारीख का डेट याद रखिएगा, और नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय सेलर को रिकमेंडेशन ही चाहिए।